मुल्क खाना जंगी की जानिब जा रहा है। हुकूमत की मुल्क के अंदर और बाहर कोई इज्जत नहीं। असेंबलियां टूटेंगी या नहीं जुमे को पता चल जाएगा। साबिक वजीर दाखला शेख रशीद अहमद ने अगले 72 घंटे अहम करार दे दिए। कहा पीडीएम जमीनी हकायक से बेखबर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ग्रैंड लोटा है। 75 साल तारीख में ऐसा हिजान पैदा नहीं हुआ। लोग पेट के हाथों बिजली के बल्ब और सुई गैस के मीटर उतार रहे हैं। कब तक लोग बच्चों के पेट काटते रहेंगे? डॉलर ऊपर जा रहा है, गंदम ऊपर जा रही है, बिजली का बिल और ऊपर जाएगा, गैस ऊपर जाएगी। हुकूमत टोटली नाकाम है, बहाने ढूंढ रही है, खामखा इख्तदार से चिमटी हुई है। कोई इनको मुल्क के अंदर भी इज्जत नहीं है, मुल्क के बाहर भी इज्जत नहीं है, मुल्क के अंदर भी जलील है, मुल्क के बाहर भी ये जलील और रुस्वा है। कोई इनको मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन कब्जा ग्रुप है, 27 किलोमीटर पर कब्जा किया हुआ है, 78 वजीर है जी। कोई बंदा मुझे 78 वजीरों के मैक में गिन के बता दे, झंडा लगा के फिरते हैं, इनको गरीब के डंडे का नहीं पता। थोड़ी देर सवेर होगी, लेकिन बिल आखिर लोग कब तक इस जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे? 72 घंटे बड़े अहम है या 4 दिन बड़े अहम है? जुमे तक 72 घंटे बन गए। इतनी महंगाई, इतनी चोर बाजारी, इतना जुल्म हो रहा है कि लोग पेट के हाथों बिजली के बल्ब उतार रहे हैं, सुई गैस के मीटर उतार के लेके जा रहे हैं। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।